गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में जैसे कि आप जानते हो, मैंने स्कल बोन और स्कल स्केलेटन के बारे में आपको समझाया था और एक्सप्लेन किया था कि स्कल स्केलेटन में कितना और स्कल बोन में कितना। स्कल स्केलेटन में टोटल अगर देखा जाए 29, जबकि स्कल बोन्स में कितने हो जाते हैं, दैट इज 22, यानी क्रेनियम प्लस फेशियल बोन मिलाकर के होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पर बढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, स्कल स्केलेटन पे, दैट इज ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल्स है क्या? ईयर ऑसिकल्स वो है जो हमारे कान की हड्डियां होती है, उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, ईयर ऑसिकल कहते हैं। ईयर ऑसिकल में फैले मैलस, इनकस, स्टेप्स, इसके साइज पे, यानी इन सब का जो साइज होगा वो साइज कैसा होगा, क्या दिखेगा, जरा ये देखें। मैलस, इनकस, स्टेप, मैलस का साइज हैमर के जैसा, हथौड़ी के जैसा, इनकस का एनवल के जैसा और स्टेप्स का स्टीरअप के जैसा, यानी हथौड़ी कुछ इस टाइप, एनवेल कुछ इस टाइप खुरपे के जैसा और स्टीरअप कुछ इस टाइप। घोड़े पर चढ़ने के लिए जो चीज का इस्तेमाल होता है वो बेसिकली किसके जैसा होता है, स्टेप्स के जैसा होता है, या फिर उसे अपन कह सकते हैं स्टीरअप से। अब देखा जाए कि इसकी मॉडिफिकेशन क्या है। मॉडिफिकेशन के लिए जो हम लोगों ने ट्रिक्स बनाया था वो ट्रिक्स था, दैट इज मा की आई क्यू सार्प है। एम स्टैंड फॉर द मैलस, ए किस बोन से मॉडिफाई होके बना, आर्टिक्युलर बोन से मॉडिफाई होकर के बना। आई इनकस, क्यू क्वाड्रेट बोन से। एस स्टेप्स और एच दैट इज हायो मैंडिबुलर बोन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग जैसे ये ईयर ऑसिकल्स कंप्लीट हुआ, सो हम अपना एक्सियल सिस्टम के सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। दैट पार्ट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं उसे, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, अब जरा देखना, वर्टिब्रल कॉलम पहले तो ये डॉर्सली प्लेस्ड होता है, यानी डॉर्सल सरफेस पे जो बोन्स के सीरीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअल में स्टार्ट होता है जस्ट ब्रेन के नीचे यहां से और खत्म होता है टू द लोअर हिप तक। अब जरा देखा जाए, डॉर्सली प्लेस्ड होता है जिसमें कि 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होता है बोन का, और जबकि प्रत्येक एक सिंगल यूनिट बोन का नाम अपन क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, न्यू बॉर्न में ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका फॉर्मूला होता है सर्वाइकल 7, सी सर्वाइकल का मतलब गर्दन वाला, टी थोरेसिक, थोरेसिक का मतलब चेस्ट बास्केट, दैट इज 12, एल लंबर, लंबर इट मींस कि बिल्कुल पेट के पीछे, दैट इज द लंबर, उसके बाद सैक्रम हमारे हिप पर, और कॉर्डल जो हमारे बॉडी में काफी नीचे और लोअर टेल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द कॉर्डल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज में सैक्रम और कॉर्डल फ्यूज नहीं होता है बल्कि सिंगल सिंगल रहता है, जबकि एडल्ट में सैक्रम फ्यूज करके वन बनता है और कॉर्डल फ्यूज करके क्या होता है, वन बनता है। तो बेटा देखो, न्यू बॉर्न में टोटल जब आप काउंट करोगे तो टोटल 33 वर्टिब्रेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब एडल्ट पे देखोगे यही फ्यूज होकर के कितना बन जाते हैं, 26 बनते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल चार कर्व होते हैं, दो कर्व वेंट्रल साइड पर होता है और दो कर्व डॉर्सल साइड पे होता है। जरा ये देखो कि ये वर्टिब्रल कॉलम का, ब्लैक से जो मैं मार्क किया हूं, ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। अब वर्टिब्रल कॉलम में देखो, ये दो सर्वाइकल और लंबर कर्व किधर साइड है, वेंट्रल साइड है, जबकि थोरेसिक और पेल्विक जिसे सैक्रल कर्व भी कहते हैं वो बेसिकली कौन से साइड पर है, डॉर्सल साइड पर है। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व को कौन सा कर्व कहते हैं, सेकेंडरी कर्व कहते हैं, जबकि थोरेसिक कर्व और पेल्विक कर्व को प्राइमरी कर्व कहते हैं। अब ये कर्व के बेसिस पर क्या तिकड़म है बेटा, तिकड़म ये कर्व के बेसिस पर ये है कि जो सेकेंडरी कर्व होता है वो आफ्टर बर्थ फॉर्म करता है, यानी जन्म लेने के बाद एक साल के अंदर जो फॉर्म करता है वो सेकेंडरी कर्व है, लेकिन जो जन्म के साथ बॉडी में कर्व प्रेजेंट होता है उसे प्राइमरी कर्व कहते हैं। प्राइमरी कर्व क्या, जन्म के साथ प्रेजेंट होता है।
स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि इस जगह पर जो सेकेंडरी कर्व है, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से, सेकेंडरी कर्व, जो सेकेंडरी कर्व है बच्चे, ये सेकेंडरी कर्व इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि जब न्यू बॉर्न जन्म लेता है तो देखना मम्मा हमें कहती है कि गर्दन और कमर को अच्छे तरीके से पकड़ना। कारण क्या होता है कि न्यू बॉर्न में सर्वाइकल और लंबर कर्व फॉर्म नहीं करता है। सर्वाइकल कर्व तकरीबन जन्म के 3 से 4 महीने और समटाइम्स 6 महीने लगते हैं सर्वाइकल कर्व को फॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय यह हाइलिन बोन का ही बना हुआ होता है, सॉरी हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और आगे चल करके ये क्या होता है, ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है और बोन्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। सो सर्वाइकल कर्व को बनने के लिए तकरीबन 4 से 6 मंथ रिक्वायर होते हैं। जब ये 4 से 6 मंथ रिक्वायर हुए तब जाकर के बच्चा अपना गर्दन उठाना सीखता है। अगर सर्वाइकल कर्व ना बने तो बच्चे कभी गर्दन उठाया नहीं पाएंगे। अब जो लंबर कर्व होता है ये तकरीबन 6 से 12 महीने के बीच में बनता है। 6 से 12 महीने के बीच में जब ये लंबर कर्व बनता है तब जाकर के हम अपना बॉडी को इरेक्ट पोस्चर पर खड़ा कर पाते हैं। कभी भी छोटे बच्चे को देखना, लंबर कर्व जब तक उसका नहीं बनेगा तब तक वो खड़ा होना नहीं सीखेगा। सो स्टूडेंट आपको क्लियर होगा, प्राइमरी कर्व जो बाय बर्थ होता है, सेकेंडरी कर्व जो आफ्टर बर्थ फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये जो डायग्राम है, अब अपन वर्टिब्रल कॉलम यानी एक वर्टिब्रे के डायग्राम से समझेंगे कि आखिर ये वर्टिब्रे क्या कहता है। देखा जाए ये एक लंबर वर्टिब्रे का डायग्राम है। क्यों? क्योंकि लंबर वर्टिब्रे बॉडी का लार्जेस्ट वर्टिब्रे होता है। अब इस जगह पर देखो ये रहा सेंट्रम, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, बॉडी कहते हैं, इधर बॉडी भी मेंशन। सेंट्रम जो होता है ये बेसिकली ऑसिफिकेशन होता है किसका, नोटोकॉर्ड का। आप जानते हो नोटोकॉर्ड बेसिकली हमारे बॉडी में क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है, और ये एक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब स्टूडेंट जरा गौर से समझना, पहले तो ये जो साइड है ये वेंट्रल साइड होगा, समझना ये क्या है, ये वेंट्रल साइड है, जबकि ये स्पाइनस प्रोसेस या फिर इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, वर्टिब्रल स्पाइन, ये कौन सा सरफेस पे है, डॉर्सल सरफेस पे। यानी जब आप डॉर्सल सरफेस पे टच करोगे तो देखना एक पिन जैसा पॉइंटेड 26 सीरियली अरेंज फील होगा। अब जरा समझना बेटा कि इसका नाम जो पॉइंटेड एजेस है इसका नाम क्या हो गया, स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के दो लेटरल साइड पर जो प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। यानी टोटल कितने प्रोसेस प्रेजेंट है, दो, पहला स्पाइनस और दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस एक होता है जबकि ट्रांसवर्स प्रोसेस बोथ लेटरल सर्फेस पे होता है, सो दो होता है। अब बेटा इसके पास देखो दो आर्टिक्यूलेटिंग सर्फेसेस होता है, एक सुपीरियर आर्टिक्यूलेटिंग सर्फेस जो अपर वाले वर्टिब्रल कॉलम के साथ फ्यूज करते हैं, जिसे प्री जाइगोपोफाइसिस कहते हैं। मतलब बेटा ये लोअर वर्टिब्रे है, आप जरा समझने का कोशिश करो, ये लोअर वर्टिब्रे है, ये अपर वर्टिब्रे है, तो ये इसका लोअर वर्टिब्रे का प्री जाइगोपोफाइसिस, जिसका नाम क्या है, सुपीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस, वो कुछ इस टाइप का होगा। जबकि पोस्ट जाइग, ये अब जो अपर वर्टिब्रे होगा उसका जो इंफीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस है, जिसे अपन पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कहते हैं। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कहते हैं। सो ये क्या है, ये इंफीरियर आर्टिक्यूलेटिंग और ये क्या है, सुपीरियर। अब ये ऐसे करके सेट होगा, जब ये इस टाइप में सेट होगा तो अब क्या करेगा, ये देखो वो मूवमेंट जो है काफी लिमिटेड है, दिख रहा है, यानी अब मूवमेंट आप ऐसे तैसे कर सकते हो लेकिन ज्यादा इन दोनों के बीच में मूवमेंट नहीं होता है। इस वजह से वर्टिब्रल कॉलम काफी फिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स। अब जरा देखा जाए ये क्या हो गया, प्री जाइगोपोफाइसिस और इंफीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। अब ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, इस रीजन को अपन क्या कहते हैं, इस रीजन का नाम है लैमिना, जबकि ये जो रीजन पतला सा दिख रहा है इसका नाम क्या है, पेडिकल नाम है। याद रखना बेटा कि दो पेडिकल और एक लैमिना के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल कहते हैं।
यही न्यूरल कैनाल बेसिकली जिसके वजह से हमारे ब्रेन से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर डिसेंड होता है और वो स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जनरली बोर्ड को चेंज कर रहा हूं। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्टिब्रे के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने एंटीरियर व्यू देखा, एंटीरियर व्यू के बाद अब हम लोग लेटरल साइड व्यू देखेंगे स्टूडेंट्स। लेटरल साइड व्यू का मतलब साइड पे। अगर देखा जाए ये तो सेंट्रम हो गया बॉडी, बॉडी होने के बाद यहां पर देखो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, प्री जाइगो पो फाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री जाइगो पो फाइसिस कहते हैं। इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस और प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, पोस्ट जाइगो पो फाइसिस। क्लियर है? अब जरा देखा जाए बॉडी हो गया, इस चीज को अपन सिंपली क्या कहेंगे, सेंट्रम कहेंगे, बोलेंगे प्लीज सेंट्रम। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लें, ये साइड वाला क्या रहा, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये क्या रहा, स्पाइनस प्रोसेस। अब आपको एक चीज बताना है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द न्यूसेलस पल्पोसस। न्यूसेलस पल्पोसस किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करें, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करें। तो अब लगता है मुझे कि कमेंट जिनकी मैक्सिमम होगी उन्हें सरप्राइज देने की जरूरत है। सो हम लोग देखते हैं स्कूल खुलेगा तो शायद जिनकी कमेंट ज्यादा हो, मे बी शायद उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। इट्स मे बी, और मे बी क्या, चल रख दिया कंफर्म, खुश हो जाओ तुम लोग। जिस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा कमेंट होगा और हरेक आंसर का और हरेक क्वेश्चन का सटीक आंसर देगा, उसे मेरे तरफ से गिफ्ट। और गिफ्ट मैं 500 रुपए वाले पे भरोसा नहीं करता हूं, याद रखिएगा, मैं 500 वाले पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं हैवी गिफ्ट दूंगा आपको। सो देखते हैं कितने स्टूडेंट अब कमेंट करते हैं, क्योंकि भाई दुनिया तो ग्रीडी हो चुकी है, आप लोग भी वही है। सो हम लोग देखते हैं जिनका ज्यादा कमेंट रहेगा, हरेक आंसर को अच्छे, हरेक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, उन्हें मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। सो मिलेंगे अपन स्कूल में। नेक्स्ट देखें, अब टाइप ऑफ वर्टिब्रे, टाइप ऑफ वर्टिब्रे देखा जाए, पहला जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे। मैंने पहले भी बताया था ये गर्दन के रीजन पे जो है, नेक रीजन पे, दैट इज द सर्वाइकल, उसे क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे पे जरा ये देखो, ये सर्वाइकल वर्टिब्रे का मैंने डायग्राम दिया है। सर्वाइकल वर्टिब्रे का एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड होता है, लेकिन ये दो में नहीं होता है। पहला सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रे में, दूसरा सर्वाइकल सेवन वर्टिब्रे में। सर्वाइकल सेवन वर्टिब्रे में स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड ना होकर के सिंगल होता है, जबकि स्पाइनस प्रोसेस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे में क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्टूडेंट्स देखो, स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड है, लैमिना, ये रीजन क्या है, स्पाइनल फोरामेन है, इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये क्या चीज है, फोरामेन, ट्रांसवर्स एरिया में, इस चीज को क्या नाम देते हैं, सेंट्रम। सेंट्रम जिसे अपन क्या कह सकते हैं, बॉडी कहते हैं। क्लियर है? अब जरा देखा जाए ये साइड वाले पार्ट को पेडिकल कहते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट ये क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, इसी के ऊपर बेसिकली क्या होता है, मैंने समझाया था ऐसे करके वो क्या करता है, बैठता है। अब नेक्स्ट है लैमिना, स्पाइनल, फोरामेन, ये सब आपको क्लियर है। याद रखिएगा सर्वाइकल वर्टिब्रे का क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि इसका स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, बाइफिड होता है। नेक्स्ट फर्स्ट आता है, दैट इज एटलस के बारे में, यानी सर्वाइकल फर्स्ट एटलस है। बेटा ये देखिए ग्लोब है मेरा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, अच्छे अच्छे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट भरे पड़े हैं। सो ये मेरा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। तो ग्लोब के ऊपर किसका डायग्राम होता है, एटलस, मैप्स होते हैं ना, उसे एटलस कहते हैं। सो याद रखना ट्रिक्स कि ग्लोब सिचुएटेड ओवर एटलस, गॉट इट। नेक्स्ट, अब ये रहा आपका एटलस, दैट इज सी वन वर्टिब्रे के कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो स्टूडेंट्स जरा इसमें देखना, ये फर्स्ट है,
ये जो है कॉन्डाइल फेसेट है, जिसे सुपीरियर आर्टिक्युलर फेसिंग फेसेट कहते हैं, ये एक्चुअल में कॉन्डाइल फेसेट है। आपको पता है हमारा स्कल डाइकॉन्डाइल है, यानी ये जो कुछ इस टाइप का ब्लड पोर्शन है और जो कॉन्डाइल है वो इसके ऊपर आकर के क्या होगा, बैठेगा। इसके ऊपर आकर के कॉन्डाइल क्या होगा, सेट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये दैट इज द फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम। फोरामेन का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्मॉल होल, ये होल है, इसके बिहाफ पे ब्लड आर्टरीज वेन्स नर्व्स सब इसी जगह से लेटरली क्या होते हैं, पास होते हैं। जब आप मेडिकल सेकेंड ईयर में रहोगे तब इसके बारे में डीप स्टडी करने को मिलेगा, उसमें आप देखोगे कि फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया में आर्टरीज वेन्स प्लस नर्व के ट्रैक्स वगैरह क्या होते हैं, बुने हुए रहते हैं और बिछे हुए जाल में रहते हैं। नेक्स्ट, लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइनल फोरामेन है, यानी यहां से स्पाइन स्पाइनल कॉर्ड डिसेंड करता है और ये ऑडोन्टोइड फोसा है। ऑडोन्टोइड फोसा, फोसा का मतलब आप जानते हो, जिसे होल कहते हैं। ये इसमें ये डेंस दिख रहा है, ये ऑडोन्टोइड प्रोसेस कहलाता है, जिसे डेंस कहते हैं। ये इसके अंदर आकर के फिट होता है, अभी हम लोग देखेंगे मेकेनिज्म में। जबकि स्पाइनल फोरामेन और ऑडोन्टोइड फोसा ये एक पतले से लिगामेंट से क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है। अब आगे देखते हैं, ये लेटरल मास है, ये एंटीरियर आर्क है और ये पोस्टीरियर आर्क है, ये एंटीरियर ट्यूबकल और ये पोस्टीरियर ट्यूबकल। ट्यूबकल का मतलब होता है बेटा कि छोटा सा ब्लग पार्ट, यानी छोटा सा उठा हुआ पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ट्यूबकल कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखा जाए जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सी टू वर्टिब्रे, यानी सर्वाइकल सेकेंड वर्टिब्रे। अभी हमने सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रे सी वन के बारे में बात किया, अब हम लोग सी टू के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग अभी हंस भी रहे होंगे, कृपया कर डोंट स्माइल, आप पढ़े। देखिए, ये जो सी टू वर्टिब्रे है, सी टू वर्टिब्रे बेसिकली देख लो, ये जो डेंस है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, ऑडोन्टोइड, ऑडोन्टोइड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑडोन्टोइड प्रोसेस क्या है। अब जरा देखिए, ये ऑडोन्टोइड प्रोसेस जो है वो कैसे है, कि पहला तो ये हमारा फर्स्ट है, सी वन है एटलस, ये ऑडोन्टोइड प्रोसेस ऐसा है। सो अब इसके बाद बिहाफ पे क्या होता है, ये ऐसे करके फिक्स हो जाता है। अब इसके ऊपर तो हमारा हेड है, सी वन के ऊपर, सी टू सी वन में ऐसे करके ब्लग्ड है। अब क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो कर रहा है, क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो कर रहा है, ताकि कहीं हेड जो है वो ब्लग होकर के बाहर ना निकल जाए। इस वजह से नेचर ने सी टू में बेसिकली क्या दिया, ऑडोन्टोइड प्रोसेस दिया, जिसे डेंस कहते हैं। बॉडी आप जानते हो दैट इज सेंट्रम, ये जो होल है ये कौन सा होल है आपको क्लियर पता होगा, दैट इज स्पाइनल फोरामेन, पेडिकल, सुपीरियर आर्टिक्युलेटिंग फेसेट, आपको पता है सुपीरियर आर्टिक्युलेटिंग फेसेट एटलस के साथ मिक्स करेगा। उसके बाद ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम सेम है, इसके अंदर से आर्टरीज और वेन्स पास होगी, प्लस स्पाइनस प्रोसेस कैसा है, देखो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है। नेक्स्ट देख लेना बेटा, ये तो एंटीरियर व्यू है, जबकि इसका लेटरल साइड का व्यू देखोगे तो ये आपको गिलहरी के जैसे दिख रही हो, मुझे पर्सनली ये गिलहरी दिखता है। अब आपको पता नहीं, आपके नजरिए अलग हो सकते हैं, मुझे ये पर्सनली गिलहरी दिखता है, पूंछ मोटी होती है, दैट्स व्हाई। अब जरा देखो, ये स्पाइनस प्रोसेस है, क्लियर है, यानी ये कौन सा साइड हो गया, डॉर्सल साइड हो गया, ये कौन सा साइड हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, ये ऑडोन्टोइड प्रोसेस, ये सुपीरियर आर्टिक्युलेटिंग प्रोसेस जो इसका दिख रहा है यहां पर। नेक्स्ट है ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम, ये स्मॉल होल, उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये, और ये जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, इंफीरियर आर्टिक्युलेटिंग प्रोसेस कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे किसके बारे में रहे, सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में रहे। अब दो वर्टिब्रे है जिसे अपन लंबर, सैक्रम और कॉकीजियल कहते हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज थोरेसिक वर्टिब्रे के बारे में। थोरेसिक वर्टिब्रे है क्या, जैसा कि हम लोगों ने अभी सर्वाइकल वर्टिब्रे देखा, उसी टाइप में थोरेसिक वर्टिब्रे भी होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे बेसिकली लार्जर होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे से, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे के, वो कौन सी होते हैं, दैट इज डेमी फेसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। अब ये क्या रहा,
इस चीज को अपन क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ये रहा डेमी फेसेट्स। अब इसके बिहाफ पे ये जो रीजन है, इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉस्टल फेसेट। कॉस्टल फेसेट्स क्या होता है बेटा, कि ये असल बात है रिब्स हमारे वर्टिब्रे के साथ आकर के ऐसे जुड़ते हैं। आप जानते हो ये कैसे होता है, इस टाइप में आकर के जुड़ते हैं रिब्स वगैरह। तो ये मान लो वर्टिब्रे है और ये रिब्स है, तो ये जो फेसेट है इसी फेसेट से हमारे क्या होते हैं रिब्स आकर के ज्वाइंट होते हैं, किसके साथ, थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ। यही कारण है कि डेमी फेसेट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है, थोरेसिक वर्टिब्रे का है। नेक्स्ट बाकी इसमें सब कॉमन होगा, स्पाइनस प्रोसेस होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, लैमिना होगा, पेडिकल होगा, स्पाइनल फोरामेन होगा, एक्सेट्रा वगैरह सब चीज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब अपन डिस्कस करते हैं लंबर वर्टिब्रे के बारे में। सबसे पहले जो वर्टिब्रे का डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो एक्चुअल में क्या था, लंबर वर्टिब्रे था। लंबर वर्टिब्रे जो होता है लार्जेस्ट साइज का वर्टिब्रे होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट साइज का वर्टिब्रे होता है। प्लस नेक्स्ट आता है दैट इज सैक्रम। सैक्रम, और याद रखना लंबर वर्टिब्रे के बारे में, लंबर वर्टिब्रे इस वजह से लार्जेस्ट होता है ताकि हमारा जो अपर बॉडी पार्ट का वेट है उस अपर बॉडी पार्ट के वेट को क्या करेगा, ये उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट का मतलब कि अब चलो मान लो तुम ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, रन कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटीज मेंटेन कर रहे हो, ये फ्लेक्सिबिलिटीज जो मेंटेन करने की पावर है वो सिर्फ अपर बॉडी पार्ट्स का, वो सिर्फ और सिर्फ लंबर वर्टिब्रे के पास है। कभी भी बेटा आपने एक टर्म सुना होगा लंबर पंचर, यानी लंबर पंचर जब भी होता है तो वो L3 और L4 के बीच में होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चीज याद रखना कि कभी भी आपने अक्सर और मैक्सिमम पेन जो देखा होगा वो लंबर वर्टिब्रे, कमर की जो पेन होती है वो लंबर वर्टिब्रे के वजह से ही होती है। सो नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सैक्रम एंड कॉकिक्स के बारे में। सैक्रम एंड कॉकिक्स लास्ट। सैक्रम एक फ्लैट ट्रायंगुलर टाइप का बोन, बेसिकली हमारे हिप गर्डल जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं उसमें एसोसिएट होकर के फॉर्म करता है। ये सैक्रम बेसिकली ट्रायंगुलर और फ्लैट शेप होता है। याद रखना ये जो ब्लू साइड से मेंशन किया गया, ये आर्टिक्यूलर सरफेस है, लेटरल सरफेस, प्लस ये जो दिख रहा है टोटल 4 पेयर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे। इस होल का नाम होगा सैक्रल फोरामेन। सैक्रल फोरामेन में आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स वगैरह क्या होंगे, पास होंगे। नेक्स्ट, दोनों फोरामेन को बीच से जोड़ने वाला जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स रीजेस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, ट्रांसवर्स रीजेस कहेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो आपको सिंह के जैसा निकला हुआ दिख रहा है इस चीज का नाम है सुपीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस, जो कि लंबर के पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के साथ क्या करेगा, एसोसिएशन शो करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब लास्ट आता है दैट इज कॉकिक्स। ये एक्चुअल में टेल होता है, जितने भी एनिमल का आप टेल देखे होंगे वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन किसका होता है, कॉकिक्स का होता है। कॉकिक्स का एनलार्जमेंट समटाइम्स हमारे पास भी क्या करवाता है, पूछ बनवा देता है। यानी आपको याद रखना है कि कॉकिक्स होते हैं 4 लेकिन आपस में हो जाते हैं फ्यूज। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये वीडियो में आपको सारा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया गया है। सो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हमारा थोरेसिक चैम्बर, जिसमें स्टर्नम, रिब्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर बहुत सारे इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करना ना भूले प्लीज।